गोरखनाथ थाने की पुलिस ने गृह भेदन कर चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान नौशाद पुत्र हौसलदार निवासी मोहल्ला रसूलपुर थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक कैमरा, एक गोल्डन कलर का कलाई घड़ी, एक जोड़ी पीले धातु कान के बाली, एक अंगूठी, दो सफेद धातु की अंगूठी, 950 रुपए नगद बरामद किया। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में गोरखनाथ थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक अखिलेश कुमार, कांस्टेबल सूर्यदीप कुशाहा, कृष्ण कुमार गौड़ शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना गोरखनाथ क्षेत्र में 16 तारीख को एक घर में नकबजनी की सूचना मिली। उस सूचना के आधार पर 191/23, 457/380 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया गया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिस व्यक्ति ने नकबजनी की उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया। ये नौशाद पुत्र हौसलदार है। पूर्व में भी ये व्यक्ति तिवारीपुर एवं गोरखनाथ से जेल जा चुका है। इस व्यक्ति को पकड़ा गया, इसके पास से 950 रुपये, इसने जिस घर से नकबजनी की थी वहाँ से एक सोनी का कैमरा भी चुराया था, वो कैमरा भी बरामद हुआ है, एक लग्जरी घड़ी एवं एक सोने के कान के बाली, एक अंगूठी एवं दो सफ़ेद धातु की अंगूठियाँ भी इसके पास से बरामद हुई है। सब चीज़ों को बरामद कर लिया गया है, अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ में आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यह भी इसकी मोडस ऑपरेंडी है कि यह भी अकेले ही नकबजनी करता है।